हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। और हमने क्वांटम नंबर की स्टडी की थी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की भी स्टडी की थी। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो हमने फर्स्ट वीडियो में, हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स की वीडियो में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को समझ लिया था। अब हमें पढ़ना है एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को हम किस तरह से समझेंगे, सबसे पहले मैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हटा देती हूँ। इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को दिगंसी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं और गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम संख्या को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और यह क्वांटम संख्या जो रहती है वह किसी भी उपकोष में उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है, किसी भी कोष में उपकोषों की संख्या को, सबसेल को प्रदर्शित करती है। और यह जो ऑर्बिटल रहती है उनकी आकृति को भी, उनकी शेप को भी प्रदर्शित करती है। तो इस टाइप की क्वांटम संख्या को हम एजीमुथल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अच्छा, इसको कभी कभी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वांटम संख्या को एल से प्रदर्शित करते हैं। अब एल का मान हमेशा एन पर डिपेंड रहता है। जो हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम संख्या थी जिसे हम एन से प्रदर्शित करते थे, एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान एल पर डिपेंड करता है, एन पर डिपेंड करता है। जब इसका मान होगा तभी हम एल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि कभी भी जो एन रहेगी, एन की किसी भी मान के लिए एल का मान जीरो से लेकर हम आगे भी इसका मान ले सकते हैं। तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरह से एन पर डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। यदि मान लीजिए कि एल में अधिक से अधिक चार मान हैं, मान लीजिए चार मान हैं, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, क्या एन का मान जीरो रहेगा? तो एन का मान जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि एन का मान जीरो रहेगा तो एल का मान कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए एन का मान कभी जीरो नहीं होता है, एल का मान हो सकता है जीरो, एल का मान हो सकता है जीरो। तो हम इसको निकालने के लिए किस तरह से करेंगे कि यदि ये एल के मान हो सकते हैं, इसलिए मैंने जीरो यहाँ राइट किया है, लेकिन एन का मान जीरो नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई सेल ही नहीं रहेगी, तो एन का मान जीरो हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि एन का मान वन है, एन का मान वन है और इसकी सेल क्या है, इसकी सेल क्या थी, के थी। तो इस चीज़ को हम लोग हटा के अब एल का मान, यदि एन का मान वन है तो एल का मान क्या होगा, क्या होगा? तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि यदि एन का मान वन होगा तो एल का मान क्या होगा। इसकी देखिए, एन बराबर एल, तो सबसे पहले एल का मान, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, एल का मान जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव इस तरह से हो सकता है। तो यदि एन का मान वन होगा तो एल का मान जीरो होगा, एल का मान जीरो होगा। और यदि एन का मान टू होगा तो एल का मान आपका जीरो वन होगा, जीरो वन होगा, यानी दो उपकोष होंगे। यहाँ जैसे मैंने एल का मान वन बताया था, तो यहाँ केवल एक ही उपकोष होगा, वो उपकोष केवल कौन सा होगा, एस, वो उपकोष ओनली एस होगा, एस होगा। ठीक है, यदि एन बराबर टू है तो एल का मान जीरो या वन होगा। अब जीरो वन से मतलब क्या है, दो उपकोष होंगे इसमें, दो सबसेल किस तरह से होंगे, दो सबसेल होंगे आपका, एक एस रहेगा और एक पी रहेगा। यदि इसी प्रकार एन का मान थ्री हुआ तो एल का मान जीरो वन और टू इस तरह से होंगे। अब इसमें
अधिकतम सब सेल यानी इसका एल का एन का मान 3 है, तो एल का मान क्या होगा, तो 3 उपकोष होंगे, 3 सब सेल होंगे, 3 सब सेल मीन्स एस बी पी बी और डी बी आपका है, हो सकता है। इसी तरह यदि एन का मान 4 हुआ तो एल का मान स्टार्टिंग 0 से ही करेंगे हम इसकी, 0, 1, 2 and 3, ठीक है। तो n का मान 4 है तो l का मान ये हो गया है, ठीक है। अब लेकिन इसमें सब सेल कितने होंगे, तो सब सेल कौन कौन से होंगे, s p s p d और आपका f होगा। तो इस तरह से हम एजीमुथल क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे, इसके बाद स्पिन क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। और आप पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट को राइट कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।